आर्थिक तंगी, प्रेम विवाह, डिप्रेशन, पारिवारिक कलेश, वैवाहिक जीवन में अनबन जैसी समस्याओं का समाधान मात्र एक रत्न से मिल सकता है। अपनी राशि के अनुसार रत्नों को धारण कर अपने जीवन को सुखी बनाएं। अधिक जानकारी, ज्योतिष परामर्श व रत्नों के लिए हमें संपर्क करें। घर में मौजूद कई चीजों से हमारे घर का वास्तु जुड़ा होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि घर में रखी हुई कुछ चीजों को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दान में नहीं देना चाहिए, खासकर रसोई की। कहीं ऐसा ना हो कि उस सामान के साथ आपके घर की बरकत भी चली जाए। आपने सुना होगा कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी कभी भी किसी को देनी नहीं चाहिए। दरअसल हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। घर में यदि हल्दी खत्म हो जाए तो इसे गुरु दोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरु दोष होने पर घर में धन की कमी, करियर में असफलता मिलने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। बात अगर चावल की करें तो इसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि घर में अगर चावल खत्म हो तो इसे शुक्र दोष लगता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि चावल का दान तभी करें जब आपके पास इसकी कमी ना हो। नमक के बारे में तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि नमक किसी को नहीं देना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि नमक को राहु का पदार्थ माना जाता है। घर में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आप पर पड़ती है, ऐसे में आपका जीवन मुश्किलों में पड़ सकता है। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके खत्म होने से पहले ही डिब्बे में तेल भरने का इंतजाम कर लें। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में देना चाहिए।